Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely good. Finally, I'm back with the another latest travel update. जैसा कि आप सबको पता है कि पूरा भारत जो है 21 दिनों के लिए लॉकडाउन है. कोई भी जो है घरों से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी जो भारत में आई है उससे निपटने के लिए जो है भारत सरकार कड़े से कड़े कदम उठा रही है और लोग भी जो हैं गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है इस महामारी से, ये जो वायरस जो है भारत में आया है, इससे निजात जो है मिल सके. आपको पता है कि ग्लोबली जो है इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है. एयरलाइंस जो हैं सारी कैंसिल हो चुकी हैं मोस्टली. इंडिया से भी जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं कैंसिल हो चुकी हैं, तो आप जो है ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जो है फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग करी हुई थी एडवांस में और वो जो है ट्रैवल करने वाले थे. उनके मन में अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि टिकट बुकिंग के लिए जो उन्होंने पैसे दिए थे उन पैसों का क्या होगा. तो इस सीरीज़ में जो है मैं सारी एयरलाइंस को कवर करूँगा, हर एयरलाइन का जो है मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा. तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइंस के बारे में. तो इंडिगो ने जो है आपके लिए तीन ऑप्शंस रखे हैं. अगर आपने जो है अपने फ्लाइट के टिकट की बुकिंग करी थी इंडिगो एयरलाइन से और आपकी जो ट्रैवल डेट है वो थी 30 अप्रैल या फिर उससे पहले, तो इंडिगो एयरलाइन जो है आपको एक ऑप्शन दे रही है जिसमें आपको जो है ज़ीरो कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. जो अमाउंट आपने टिकट बुकिंग के लिए दिया था आप जो है उसको एज अ क्रेडिट नोट ले सकते हैं और उस अमाउंट को जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट कोई भी बुकिंग के लिए 30 सितंबर या फिर उससे पहले. मान लीजिए आपको जो है ट्रैवल करना है 18th ऑफ अगस्त को, तो आप जो है इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं अपनी 18th ऑफ अगस्त की फ़्लाइट बुकिंग के लिए. तो एक तरीके का ये जो है क्रेडिट नोट है जो है आपको मिल जाएगा जो अमाउंट आपने पे किया था. दूसरा ऑप्शन जो है आपको एयरलाइन ये दे रही है कि अगर आपकी जो बुकिंग है वो 30th सितंबर या फिर उससे पहले की किसी भी डेट को हो रखी है तो आप अगर अपनी ट्रैवल डेट को चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. उसके लिए आपको कोई भी चार्ज जो है नहीं लगेगा. नॉर्मली आपको पता है कि जब भी आप अपनी ट्रैवल डेट को चेंज करते हैं तो एयरलाइन जो है आपको कुछ फीस चार्ज करती है. इसमें जो है एयरलाइन आपको जो है इंडिगो आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है अपनी ट्रैवल डेट को चेंज कर लीजिए, उसके लिए जो है वो कोई भी चार्ज नहीं करेंगे आपसे. मान लीजिए आपकी बुकिंग थी पहले 18th ऑफ सितंबर की, अब जो है आपको ट्रैवल करना है 1st ऑफ सितंबर को, आप जो है ट्रैवल डेट को चेंज कर सकते हैं. लेकिन इसमें अगर कोई प्राइस वेरिएशन आती है फेयर में तो वो जो है आपको पे करना होगा. अब बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में कि आपको लगता है कि आपको जो है इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए, आपको जो है अपना पैसा वापस चाहिए, तो आप जो है सिंपली कस्टमर केयर पे फ़ोन कीजिए, उनको ईमेल कीजिए और आप जो है टिकट कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. लेकिन इसमें जो है एयरलाइन आपसे कैंसिलेशन फीस जो है वो चार्ज करेगी. अगर आप जो है एयरलाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि रिप्लाई जो है देर में आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आपको पता है 21 डेज का लॉकडाउन है, मैन पावर को रिड्यूस किया हुआ है ताकि प्रिवेंशन हो सके कोरोना वायरस जैसी महामारी से. ये थी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर कि अगर आपने अपनी फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग करी है, आप कैंसिलेशन के लिए सोच रहे हैं, तो ये तीन ऑप्शन जो है इंडिगो आपको दे रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको पता लग सके कि अगर उन्होंने अपनी फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग करवाई है तो उनको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है. ऐसे ही मैं जो है और वीडियोस बनाऊंगा, स्पाइसजेट के ऊपर भी, गो एयर के ऊपर भी, विस्तारा के ऊपर भी, एयर इंडिया के ऊपर भी. वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के जो है मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको जो है वीडियोस कैसे लग रहे हैं और किस बारे में आप जो है जानना चाह रहे हैं. क्या आप घर पे बैठे हुए हैं आजकल तो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है मेरे को आप अपडेट देते रहिए. चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में एक बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें क्योंकि उससे होगा ये कि मेरे जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सकेगी सबसे पहले. जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अपने अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम.